14 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र है। बच्चों के नाम रहेगा विधानसभा का ये सत्र। बाल दिवस के मौके पर बाल विधानसभा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आएंगे विधानसभा। सीएम अशोक गहलोत व स्पीकर सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। बच्चों को मिलेगा विधानसभा से जुड़े प्रश्न पूछने का मौका। तो विशेष सत्र है ये, 14 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र है। बच्चों के नाम ये विधानसभा का सत्र रहेगा। बाल दिवस है 14 नवंबर को और बाल दिवस के मौके पर बाल विधानसभा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधानसभा आएंगे। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत व स्पीकर सीपी जोशी भी विधानसभा में मौजूद रहेंगे। बच्चों को विधानसभा से जुड़े प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। और चलिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, विशेष सत्र है 14 नवंबर को, बच्चों के नाम रहेगा सत्र, क्या खास रहेगा इसमें? बिल्कुल श्वेता, देखिए जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके तहत बाल दिवस पर 14 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। सीपीए की जो राजस्थान शाखा है उसके द्वारा ये आयोजन हो रहा है और इस दिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक विधानसभा का जो सभागार है उसमें विधानसभा का बाल सत्र आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर से जो चुने हुए बच्चे हैं वो हिस्सा लेंगे और साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तमाम जो विधायक है उनको भी इसमें बुलाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके वो भी आमंत्रित किया गया है, वो भी शामिल रहेंगे। खास बात यह है कि चूंकि बाल दिवस है इस दिन और ये सत्र भी पूरी तरह से बच्चों को समर्पित है तो विधानसभा के इतिहास में पहला इस तरह प्रयोग होगा कि बच्चे जो है वो विधायकों और मंत्रियों की जगह बैठेंगी और वो इस विधानसभा से जुड़े या उनके मन में जो भी राजनीतिक प्रश्न है वो पूछेंगे। साथ में किस तरह से विधानसभा की कार्रवाई होती है, किस तरह से संचालन होता है, क्या नियम कायदे हैं और इसके अलावा उनके मन में कोई भी तरह की जिज्ञासा है उसके बारे में प्रश्न पूछने का उनका मौका दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की पहल पर इस तरह का ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि बच्चों के लिए विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाए। लेकिन ये जो 14 नवंबर का दिन होगा ये राजस्थान विधानसभा के लिए काफी खास दिन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।